पहला भजन वही आप सभी का सुना सुनाया एक पारंपरिक रचना जिसके ना होने से ये जागरण अधूरा सा लगता है। आइए चलते हैं दरबार में। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व रत साधिके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमास्तुते। जन्म इंसान पाया है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार मानव शरीर मिलता है तो कहना पड़ा जन्म इंसान का पाया है दोबारा फिर न पाओगे। खिलौने मिट्टी के हो एक न एक दिन टूट जाओगे। पाप का बोझ लादे ठोकरे दर दर की खाओगे। कर्म कर हो गया माँ का तो सीधा स्वर्ग जाओगे। क्योंकि कहते हैं ज्यादा जोर के बड़बड़ाने से क्या फायदा और ये घी के दीपक जलाने से क्या फायदा। मन के मैल को यदि आज धोया नहीं भगतों तो रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। आइए दरबार में चलते हैं वही पारंपरिक रचना लेकर के महारानी बुलाते हैं। कहते हैं भक्त मां माता जिनको किस्मत वाले कैसे होते हैं। इसी पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी चारपाई पर आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में महारानी का दीदार नहीं है। लोग आए आकर के चले गए। कुछ लोग अपने घरों में सुन रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। आमंत्रण निमंत्रण बहुत लोगों को दिया गया लेकिन सभी लोग दरबार में नहीं पहुंच पाए। कारण जब तक माँ का आदेश नहीं होगा तब तक भक्त इस दरबार में नहीं आ सकता है। बड़ी माँ की कृपा है हम पर और आप पर। और यदि कृपा है मैया ने हमें आपको बुला लिया दरबार में तो क्यों ना महारानी के दरबार में चले मिलकर के। आइए हमारे गौरव भाई के साथ चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है तो सभी को चलना है दरबार। दरबार सभी को चलना है ना। ऐसे हाथ उठाए जिनको चलना है दरबार। गाड़ी तैयार है सभी लोग मिलकर के 1 2 3 गाड़ी तैयार है कोई बाकी न रहे। टिकट आप सभी के पास में है नहीं है जरा प्रेम से बोलो यही टिकट है आपके पास में।
टीटी बाबू आएंगे और आपसे पूछेंगे, जरा प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो, और यदि टिकट नहीं दिखाई तो आना फिर जाना फिर, और पकड़ गए तो खाना फिर। यहाँ तो फ्री मिल गया, वहां भी फ्री मिलता है। तो गाड़ी तैयार है, सभी को मिलकर चलना है। पीछे भैया, छोटे भैया, सीधे हाथ उठाए, आप उठाइए सीधे हाथ, सभी बैठ लगे गाड़ी में मिलकर के। 1 2 3 काम चल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि आज इस दरबार में हाथ नहीं उठाया, कल कहीं किसी के ऊपर उठ गया तो थाना कचहरी हो जाएगा। तो गली मत लिया, आज यही उठा ले, उठाइए से यहाँ और ताला लगा करके 1 2 3 कौन लाया है? चलो बुलावा आया और माता ने बुलाया है। संदेशा कौन लाया है? किसी को नहीं मालूम, इसका मतलब आपका ध्यान और कहीं है। माता जी पे ध्यान है? नहीं, माता जी पे तो नहीं है ध्यान, वहां है। सखी सैया तो खो गए का मात है महंगाई, ध्यान वही है सभी का, मुझे मालूम है। लेकिन उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि मोदी सरकार ज्यादा पैसा जोड़ लेंगे, बैगन एगन आर ले आएंगे तो किसी दिन छिन जाएगी, क्या मतलब है। बोलिए सच्चे दरबार की, ध्यान से सुनेंगे भजन को तभी अच्छा लगेगा। आपकी धर्मपत्नी सो रही है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आपका कल्याण करे, आपकी धर्मपत्नी का भी कल्याण करे, आपके भंडारे भरपूर रखे। बड़ी कृपा है हम पर आप पर, लेकिन मैया के दरबार में बार बार मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से भजन को सुने और महारानी के चरणों में चित्त लगा कर बैठे। सुनिए संदेशा कौन लाया है? अरे मस्त हवाओं का एक झोंका, मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा लाया। ये संदेशा कौन लाया है मालूम? बड़ा। यदि आप भजन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बड़ा इस ध्यान 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 और चलो बुलाया तुझे बुला,
वो चारों बोलो। अम्मा कहाँ जा रही हो? अम्मा, ओ अम्मा। अच्छा अच्छा, सरकारी काम था। जरा प्रेम से बोलो, अरे मिलकर बोलो, जरा आप भी बोलो, जरा हाथ उठा लो। माँ शेरा वाले, माँ जोता वाले, कुछ मांडा देवे, माँ चित्त पूर्णी। जरा मिलकर बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा मिलकर, जरा जोर से बोलो, जरा पीछे वाले, जरा प्रेम से बोलो। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वाला, जय माता दी कहते आने जाने वाला, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पास चारे हो, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पास चारे हो। जिसने जितना कर्ब सहा है, जिसने जितना कर्ब सहा है, उतना चैन पाया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय जय। भजन समाप्त हो गया, भजन समाप्त हो गया। सच्चे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय जय। एक सुंदर सा भजन महारानी के चरणों में आपके मन का, और जैसा आपके मन का और मन का मन का। दुर्गा माई के मंदिर वा मजाय, भजन नारियल माई का चढ़ाय, और गाई भजन या जारी के। ओ रूपवा निहारी के, और पवा निहार के। ये सब क्या है? यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। अच्छा, इसमें ये करने क्या जरूरत है? एक बार फिर से करो। अच्छा, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको ध्यान देना पड़ेगा। कॉमर्स में लिखा था। अरे गाए भजनिया जारी के, और पवानी हारी के, और पवानी हारी के। ये जो आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक तो ये हमारे तीनों भाई हैं, लेकिन विशेष आग्रह, विशेष माँ की कृपा हमारे विवेक सिंह के ऊपर, और इनकी एक तमन्ना थी कि नहीं हम महारानी का जागरण करवाएं, ज्योत जलाएं। इनकी मनोकामना महारानी ने पूर्ण की। आज इन्हीं की कृपा से ये महारानी की पावन सी ज्योत जल रही है, पावन सा दरबार लगा हुआ है। तो हम चाहेंगे दिव्य भैया थोड़ा सा दरबार में खड़े होकर झूम के मनाया जाए, चूंकि शुभारम्भ हुआ है, और जब आगाज अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है। इनको उधर नाले की तरफ किनारे करो। आइए मिलकर के दरबार में होर पवा, होर पवा, होर पवा निहार के, होर पवा निहार के, होर पवा निहार के, होर पवा निहार के। माई के मन का वो मजार, माई के मन का वो मजार,
ऐसे मजा नहीं आ रहा है। एक आपके और साथी हैं जो आपके भाई भी हैं, उनका नाम है अजय सिंह। कहाँ है? अच्छा, ये रंगबाजी मेहनत पड़ गई है, जगा के लाइए। नहीं, उसके पहले जो अंदर जा रहे हैं उनको बुला लाइए। हाँ, आ जाइए। और आशु भैया उनको पकड़ लाइए, आपके पीछे पीछे जो आ रहे हैं। आ जाइए, पूरा ना मानो होली है, अभी तो सुबेरे अबीर गुलाल उड़ेगा। आ जाइए सब लोग, जल्दी से आइए। होरे बाबा, होरे बाबा, होरे बाबा बिहारी रे, होरे बाबा बिहारी रे, विकास भैया, आप तो डांस बहुत अच्छा करते हैं, आप वाला गाना लगाए क्या? इनका वही वाला गाना है, तो आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, अरे आ जाइए, अरे आ जाइए। विकास भैया, ये दरबार ऐसा है, मेरी बात सुनिए पहले, ये दरबार ऐसा है, इस दरबार में जो एक बार नाच लेता है उसको दुनिया में दर बदर नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसा सच्चा दरबार है, हृदय से मन से यदि आप यहाँ पर नाच लेंगे, ये डीजे वाला नाच नहीं है, ये महारानी के दरबार वाला नाच है। और यहाँ जब नाच लेंगे तो आपको दर बदर नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? कोई मांगे दूध, कोई खीर की प्याली, और ये भैया लोग डांस करेंगे, आप बजाएंगे, तो उठाइए ना सीधे हाथ, जिनको दरबार अच्छा लग रहा है, इनका नाचना जुमना अच्छा लग रहा है।